हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आप क्या आप सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर लाइफ स्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत प्यारा साफ खूबसूरत दिन निकला है। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा 25 kg, मैंने अपनी 25 किलो वेट लॉस किया है, तो उसकी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कौन से अप एंड डाउन आए थे, और मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इसमें कि जिससे आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी। आप लोगों के काफ़ी कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका 25 किलो, इतना जल्दी आपने वेट लॉस कैसे किया, आप उसका मतलब डिटेल में एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने अपना 25 kg वेट लॉस कैसे किया है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपने वेट लॉस जर्नी में। तो गाइज, वेट लॉस जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी, वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जल्दी उठना है। अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको एनर्जेटिक रहेगा पूरा का पूरा दिन। तो ये चीज मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कभी भी जल्दी नहीं उठती थी, मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं थी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जो मैंने चीज अपनाई कि मैं जल्दी उठने लग गई। मैं ये नहीं कि आपको मैं 4-5 बजे उठती हूँ, अभी भी मैं 4-5 बजे उठती हूँ, नहीं, मैं आराम से उठती हूँ, 6-6:30 बजे उठती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है 6-6:30 बजे भी उठना, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन थी जो कि उठती थी आराम से 9:30-10 बजे, और उसको उस चीज को मैंने घटा के मैं अब उठती हूँ 6-6:30 बजे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरे को जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उठती थी, मेरे से उठा नहीं जाता था, बहुत परेशानी रही मेरे को 10-15 दिन कि मेरे से इतनी जल्दी नहीं उठा जाता था। लेकिन अब एक ऐसी वो होता है ना कि अगर आप एक अच्छी हैबिट अपने अंदर एक डाल लोगे तो आपको वो आदत पड़ जाएगी। अब एक ऐसा टाइम है 6-6:30 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, मतलब अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 6:30 बजे मैं आराम से उठ जाती हूँ। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो पहली चीज आपको करनी है वो आपको ये करना है कि आप थोड़ा जल्दी उठा करें। अगर आपसे जल्दी नहीं उठा जा रहा है 6:30 बजे, तो आराम से उठे 7-7:30 बजे तक उठे, थोड़ा इतना अपना लें। क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे, आपका पूरा का पूरा दिन जो होगा ना, वो आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, आप उसको शेड्यूल कर पाएंगे कि मैं कैसे क्या चीज मैनेज करूं, पानी पी पाएंगे अच्छे से। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। एंड नंबर टू जो है कि मॉर्निंग ड्रिंक सुबह उठते ही पानी पीना, कोई भी ड्रिंक लेनी, जो कि यार जो आप अपने अच्छे से लाइफ स्टाइल में नहीं जी रहे हो। मैं तो एक ऐसा पर्सन था जो सारा दिन खाते रहना चिप्स, ये अनहेल्दी चीजें बहुत ज्यादा खाती थी मैं, और पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी। मॉर्निंग ड्रिंक तो बहुत दूर दूर की बात है, बिल्कुल भी नहीं पीती। अब एक ऐसा टाइम है कि मैं सुबह उठते ही मैंने 2 गिलास पानी पीना है, मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है, कभी जीरे का पानी, कभी धनिए का पानी, मतलब जो मेरे को सूट करते हैं ड्रिंक्स, उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रिंक लेती ही लेती हूँ। क्योंकि ड्रिंक एक ऐसी चीज है, मॉर्निंग ड्रिंक, आप उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक लोगे आपकी बॉडी में कितनी भी गंदगी है फ्लश आउट हो जाएगी। तो मॉर्निंग ड्रिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे अच्छे लाइफ स्टाइल में। तो जो मैंने सेकेंड चीज अपनाई वो मैंने ये की, मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेने लग गई। एंड अब आगे आपको बताती हूँ जो कि है ब्रेकफास्ट, एक हेल्थी ब्रेकफास्ट। सुबह उठते ही मैं तो मतलब ना, सुबह उठते ही ये नहीं था कि मेरा को मतलब मैंने ब्रेकफास्ट करना है। जब मैं उठी 10 बजे रही हूँ, 11 बजे रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट कहाँ होता था, ब्रेकफास्ट नहीं होता, सीधा डायरेक्ट लंच होता था, वो भी 11, 12, 1, 2 बजे तक लंच किया, वो भी इतना ज्यादा हैवी कर लिया, मतलब ऐसे कर लिया कि ना आपका ब्रेकफास्ट भी इकट्ठा हो गया, लंच भी इकट्ठा हो गया, इतना ज्यादा भर लिया मतलब अपने आप को, जिससे आपका वेट तो कभी कम नहीं होगा, मतलब आप एक मोटे ही होते जाओगे, इतना मोटे बल्कि होते जाओगे कि आपको लगेगा कि इनकम्फर्टेबल लगेगा बाहर चलते हुए भी। मैं ऐसा महसूस करने लग गई थी, मैं इतना ज्यादा खाने खाती थी वो ज्यादा, मतलब होता है मैं थोड़ा सा मतलब ना जंक मैंने खाया तो मेरे को वो भी लगता था, मतलब होता है ना किसी इंसान को पानी भी लगना, तो मेरे साथ वही हिसाब था कि मेरे को वो चीजें भी लगती थी जब आप। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ब्रेकफास्ट हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ स्टाइल में। ब्रेकफास्ट तो करना ही करना चाहिए हमको, कभी भी ऐसा सोचना चाहिए कि ब्रेकफास्ट और लंच मैं इकट्ठा कर लूँ, कभी नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप करोगे तो आपको पूरा दिन एनर्जी रहेगी है, आपको ताकत मिलेगी पूरा का पूरा दिन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मतलब एक 25 किलो वजन कम करना कैसे एक पॉसिबल रहा मेरे लिए। पॉसिबल ऐसे रहा कि मैं ब्रेकफास्ट करने लग गई, हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट, और मैंने ये नहीं सोचा कि ना बस ना खाली मैं ओट्स या दलिया यही खाती रहूँ, मैं परांठे, इवन अभी भी मैं परांठे खाती हूँ, बस मैंने पोर्शन कंट्रोल किया और ब्रेकफास्ट मैंने किया ही किया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती। अगर मैं कभी बीमार भी होती हूँ ना, तब भी मेरे को ये लगता है कि मेरे को ब्रेकफास्ट करना ही करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा दिन एनर्जी मिलेगी, तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है मिड मॉर्निंग स्नैक, मतलब मैं 11:30-12 बजे कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, ग्रीन टी ले ली, ब्लैक कॉफी ले ली, साथ में थोड़े बहुत नट्स ले लिए, या फिर मैं कोई ड्राई फ्रूट ले लिया, या कोई ना कोई फ्रूट ले लिया, ताकि आप लंच में ओवर ईटिंग ना कर सको। तो मेरी बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ खा ले तो ओवर ईटिंग कैसी होगी। उसके बाद आती है
लंच की बारी। लंच पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मैंने 9:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके बाद डायरेक्ट मैं अपना जो लंच कर लेती हूँ वो 1:30 बजे तक मेरा लंच हो जाता है, मेरा टाइम पीरियड है। अगर आप टाइम पीरियड में रखोगे 9:30 से 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट करना है, 11:30 से 11 बजे मैंने कुछ खाना है अपना मिड मॉर्निंग स्नैक, उसके बाद लंच मैंने 1:30 बजे कर लेना है, फिर इवनिंग में कुछ ना कुछ खाना है मैंने, और अपना डिनर मैंने 7 बजे तक कर लेना है। तो अगर आप ऐसे शेड्यूल करके रखोगे ना तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा और जल्दी फास्ट तरीके से होगा। यही चीज़ें हैं जिससे आपका वजन बहुत जल्दी जाएगा, तो मैंने ये चीज़ें अपनाई हैं। उसके बाद आता है इवनिंग की बारी। इवनिंग की बारी आती है, उसमें अगर मेरे को भूख लगी होती है तो मैं कुछ ना कुछ स्नैक ले लेती हूँ, हेल्दी स्नैक। ऐसे नहीं कि मैंने नहीं खाया, अनहेल्दी तो मैं कुछ भी नहीं खाती, कभी मुरमुरा चाट खा लिया, मखाना खा लिया, कोई फ्रूट खा लिया या कोई टिक्की बना के खा ली, मतलब कुछ ना कुछ मैंने खाना ही है, साथ में ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ले ली। मतलब अगर आप इस टाइम कुछ खा लोगे फिर आपका डिनर में ओवर ईटिंग नहीं होगी, तो इस टाइम आपको जरूर खा लेना चाहिए शाम में अगर आपको भूख है तो, अगर भूख नहीं है तो मत खाओ, क्योंकि ओवर ईटिंग भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमको। फिर उसके बाद डिनर जैसे मैं 7 बजे तक अपना डन कर लेती हूँ, उसके बाद कभी हो जाता है कि 7:30 हो जाए, उससे लेट कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपको उस टाइम तक खा लेना चाहिए ताकि आपको रात में एसिडिटी ना बने, आपको एसिडिटी ना बने, आपको रात को सोने में दिक्कत ना हो, सोने में दिक्कत होगी तो नेक्स्ट डे आपका वेट कभी भी डाउन नहीं जाएगा, अप ही जाएगा। इसलिए आपको 7:30 बजे तक अपना डिनर डन कर लेना चाहिए, और उसमें अच्छा सा कुछ प्रोटीन लेना चाहिए, पनीर वगैरह, टोफू वगैरह, सोया वगैरह, ताजी वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से रात तक भूख ना लगे 3-4 घंटे तक। डिनर के बाद आती है नाइट ड्रिंक की बारी, जो कि जैसे मॉर्निंग ड्रिंक हमारे लिए जरूरी है, ऐसे हमारे लिए नाइट ड्रिंक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नाइट ड्रिंक मैंने इंक्लूड की थी अपनी वेट लॉस जर्नी में, सबसे ज्यादा वो थी एक दालचीनी का पानी, जो कि बहुत अच्छी मतलब मेरे लिए साबित हुई। तो मैंने ये काफी टाइम तक ली थी, 3-4 मंथ तक रेगुलर लिया मैंने इसको। अब मैं आपको ये नहीं बोलेगी आपको सूट ना करे तो आप ये लो, मेरे को सूट किया तो मैंने 3-4 मंथ तक रेगुलर लिया और मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हुआ। और काफी अच्छी ड्रिंक है दालचीनी का पानी। आप ऐसा नहीं कि दालचीनी का पानी, आप कोई भी ड्रिंक जो आपको सूट करती है, इनफैक्ट आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं अगर किसी को डिनर के बाद भूख है तो, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी नाइट ड्रिंक का काम करता है, उससे काफी अच्छी नींद आती है। तो गाइस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो मेन चीज है वो है पानी। पानी नहीं पीती थी मैंने, आपको बोला है पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैं पानी धीरे 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 पानी पीना स्टार्ट कर दिया। पहले 3-4 ग्लास पीने लगी, 5-6-7-8, अब मैं दिन में 3-3.5 लीटर पानी पीती हूँ, आराम आराम से पीती हूँ। और पानी एक ऐसा रोल प्ले करता है कि आपके सारे के सारे जितनी भी आपके पेट में गंदगी है फ्लश आउट होती है, आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से पानी करता है। तो हमारी चर्बी कम होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको गुनगुना पानी लेना है या सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पानी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में एक और चीज इंक्लूड की है, वो है एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की है, 10 मिनट्स की एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी, सिर्फ 10 मिनट्स की। उसके बाद धीरे 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 टाइम मैं बढ़ता रहा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30-35, 40-45 मिनट की एक्सरसाइज अब मैं करती हूँ। मतलब जो कि एक्सरसाइज पता है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो पूरा का पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा, आपको अच्छा अच्छा फील होगा। जब आपको अच्छा अच्छा फील होगा तो आपको लगेगा कि मेरे को पूरा दिन एनर्जी फील हो रही है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा लगता है मेरे को कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं आपको बोलती हूँ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत वॉक कर लें, अपने घर में टहल लें 20-25 मिनट, अपनी छत पर टहल लें, आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा, काफी चीजें हैं, जरूरी नहीं है हमको एक्सरसाइज ही करनी है, तो आप डांस वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे हमको अगर आप पसीने निकलेंगे, पसीने अच्छे आएंगे तो हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने अपने 25 किलो अपना वेट लॉस किया 5 महीने में, तो ये चीजें मैंने अपनाई थी और मेरा बहुत अच्छे से वेट लॉस हो गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है इन चीजों को अपनाने में, बट अगर हम अच्छा से अपने सोचेंगे कि मेरे को करना ही करना है, ये चीज करनी ही करनी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना ही अपनाना है, तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको जो चीजें हैं, कुछ भी अनहेल्दी चीजें नहीं है, हेल्दी चीजें हैं, आपको अपनाने में भी अच्छा लगेगा कि हमें कुछ अच्छी चीज अपना रही हूँ, तो मेरे को अपना अब हेल्दी लाइफस्टाइल, अब मेरा लाइफस्टाइल सुधर रहा है तो मेरे को अपनाने में क्या डर है। तो इसलिए मैंने ये चीजें अपनाई और मैंने अपना वेट लॉस किया। आज मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेल्दी है, मैं हेल्दी खाना ही खाती हूँ, अनहेल्दी बहुत कम, बहुत रेयर, कभी 3 महीने में 4 महीने में कभी मेरी चीट मील होता है, चीट डे भी नहीं होता, चीट मील होते हैं मेरे, वो भी 3-4 मंथ में। तो अगर आप घर का खाना खाओगे, और पता है सबसे बड़ी बात, मैंने ना घर का खाना खा के ही अपना वेट लॉस किया है,
पोर्शन कंट्रोल करके, बस जहाँ पे मैं 3 रोटी खाती थी वहाँ 1.5 कर दिया, जहाँ मैं इतने सारे राइस खाती थी वहाँ मैंने 1-1 कटोरी कर दिया, सब्जी मैंने ज़्यादा कर दी, मैंने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दिया, बस यही चीज़ें मैंने की है, रोटी सब्जी दाल चावल मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा इन 5 महीनों में, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ दोगे ना तो बाद आप अपना वेट लॉस तो कर लोगे लेकिन आप दोबारा उनको खाना स्टार्ट करोगे तो आपका वेट आपका दोबारा दोबारा बैक आ जाएगा, इसलिए कब मैंने उनको बिल्कुल भी छोड़ के अपना वेट लॉस नहीं किया, मैंने इनफैक्ट उनको खा के अपना वेट लॉस किया ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए सब कुछ मैंने खाया बस पोर्शन कंट्रोल करके मैंने खाया और अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से मैंने किया। तो गाइस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के मैंने अपना 25 किलो 5 महीने में अपना वेट लॉस किया, जो कि बहुत ज़्यादा, ये नहीं मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इजी रहा मेरे लिए, लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन आते हैं, वेट स्टक भी होता है, बीच में चीज़ें होती रही, बट मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपना 25 किलो वेट लॉस किया। तो यही छोटी सी मेरी कहानी है जो मैंने आपको पूरी की पूरी बताई है और यही था मेरा डाइट प्लान जिससे मैंने अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कम किया। अगर आप भी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ये वाले आजमाएंगे तो आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी और आपको कल से मेरी रेसिपीज की वीडियोस मिलेंगी, मेरा फुल डेली रूटीन जो मैं वेट लॉस का दिखाती हूँ वो आपको कल से मिलेगा, कल की वीडियो में मिलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आप बताना आपको आज की वीडियो, आपको ये टिप एंड ट्रिक्स कैसे लगे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप नए न्यू तक सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने नए तो लाइक करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।